अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आई एम मुजफ्फर बशीर खान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इट इज़ अ डिवाइस विच एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी and discharge this heat to hot body. It is also called heat pump. This refrigerator is also called heat engine operating in reverse direction. Refrigerator, जिसको आम तौर पर फ्रिज कहते हैं, ये हॉट बॉडी ये कोल्ड बॉडी से हीट ऑब्जॉर्ब करती है, एक्सट्रैक्ट करती है और इसको जिसके कोल्ड बॉडी होता है वो इसका इंटीरियर होता है, जहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें ठंडी करने के लिए रखते हैं या कुछ फूड को प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं। और ये रेफ्रिजरेटर हीट को डिस्चार्ज करता है हॉट बॉडी को। और हॉट बॉडी क्या होता है? हॉट बॉडी वो इन्वायरमेंट है, वो रूम है जहाँ पे इसको रखा होता है हम लोगों ने। और इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। एक्सटर्नल वर्क के ज़रिए से ही ये हीट को फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी लीव करवाती है। ये क्लासिक स्टेटमेंट है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अकॉर्डिंग टू क्लासिक स्टेटमेंट ये कहा जाता है कि हीट फ्लो नहीं कर सकती फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, जब तक आप कोई एक्सटर्नल वर्क ना करें, जब तक आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी यूज ना करें, तब तक हीट को हम फ्लो नहीं करवा सकते from lower temperature to higher temperature. तो ये refrigerator external work use करके और external energy use करके या electrical energy use करके heat को flow करवाती है from lower temperature to higher temperature. Expenditure of energy के बगैर हम heat को flow नहीं करवा सकते, energy खर्च किए बगैर हम heat को flow नहीं करवा सकते from cold body to hot body. तो refrigerator में हम एनर्जी को एक्सपेंड एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी का खर्च होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है जिसके ज़रिए से हम लोग हीट को फ्लो करवाते हैं फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। इस रेफ्रिजरेटर में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक गैस है, इसको हम फ्री ऑन कहते हैं। ये डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भी कहलाती है। इसका केमिकल फार्मूला होता है CCl2F2। ये गैस जो है ये सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। इसके सर्कुलेशन से जो है हीट को हम फ्लो करवा सकते हैं फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। दिस डिवाइस एक्सट्रैक्ट हीट Q2 और QL फ्रॉम कोल्ड बॉडी और लो टेम्परेचर रिजर्वायर LTR एंड डिस्चार्ज दिस हीट Q1 और QH to hot body or high temperature reservoir HTR and some external work W is done. So W plus Q2 is equal to होगा Q1, so W is equal to आएगा Q1 minus Q2. इस चीज़ को हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। W is here external work. रेफ्रिजरेटर कोई एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल एनर्जी यूज कर रहा है और ये कोल्ड रिजर्वायर या कोल्ड बॉडी से हीट Q2 को ऑब्जर्व कर रहा है और Q1 हीट को लीव कर रहा है टू हॉट बॉडी या टू एनवायरनमेंट। तो सो Q1 इज इक्वल टू आएगा Q2 प्लस W, जिसको आप यहाँ से W फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज इट इज रेशियो बिटवीन हीट एक्सट्रैक्टेड that is output and external work done that is input. So coefficient of performance is equal to heat extracted over external work that is equal to Q2 over W that is equal to Q2 over Q1 minus Q2. हमने यहाँ पे W की वैल्यू पुट कर दी है Q1 minus Q2. So coefficient of performance or efficiency of refrigerator is equal to Q2 over Q1 minus Q2. इसको अगर आप
परसेंटेज में लिखना चाहें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एज क्यू टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू, टी टू इज ए टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर एंड क्यू वन इज इनवर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी वन, टू टी वन इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन आल्सो बी रिटन एज टी टू ओवर टी वन माइनस टी टू। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट टी वन इंक्रीजेज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर एसी डिक्रीजेज। नीचे वाली टर्म अगर बड़ी हो जाएगी, अगर टी वन बढ़ा देंगे बड़ा हो जाएगा, अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी वजह से ये होता है कि समर सीजन में अगर बहुत टेम्परेचर हाई हो जाए एनवायरमेंट का तो फिर रेफ्रिजरेटर और एसी जो दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एक ही असूल पे इनकी वर्किंग होती है, तो दोनों की एफिशिएंसी कम हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।